नमस्कार, स्वागत है आपका और आइए चलते हैं देश दुनिया की 25 खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, कोरोना से हो चुके थे ठीक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिल्खा सिंह की मौत पर जताया दुख, कहा प्रेरणा देते रहेंगे। महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा कुछ दिन पहले ही हुई थी बात। गृह मंत्री अमित शाह ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया दुख, कहा देश हमेशा याद रखेगा। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हुए शामिल। पिछले 24 घंटों में 60,753 कोरोना के नए केस, 1,647 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में बीजेपी की चुनावी तैयारी, 18 साल से मोदी के भरोसेमंद एमएलसी एके शर्मा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बोले एयर चीफ मार्शल भदौरिया, का अगले दौर की बातचीत जारी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के 2 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने की काम की तारीफ। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की राज्यों को चिट्ठी, कोविड से लड़ाई में टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति जारी रखने को कहा। लाल किला हिंसा में दिल्ली हाई कोर्ट ने दीप सिद्धू समेत अन्य को सम्मन जारी किया, 29 जून को होगी पेशी। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन, तेलंगाना कैबिनेट ने लिया फैसला। एम्स डायरेक्टर की चेतावनी, डॉक्टर गुलेरिया बोले अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, गंगा का जल स्तर बढ़ा, ऋषिकेश में कई घाट डूबे। नेपाल ने छोड़ा 4 लाख क्यूसेक पानी, राप्ती और गोर्रा नदी में उफान, पायलट प्रोजेक्ट को हुआ नुकसान। विराट ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बने। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए केस, 28 मरीजों ने दम तोड़ा। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार, जिनके पास से हेरोइन पिस्तौल समेत 1 लाख रुपए बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश को वर्चुअल संबोधित करेंगे पीएम मोदी, 21 तारीख को है योग दिवस। 21 जून को 10 लाख लोगों का होगा टीकाकरण, शिवराज सरकार प्रदेश में लगाएगी 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके। असम में कर्फ्यू में दुकान खोलने पर गिरफ्तार दुकानदार की पुलिस हिरासत में मौत, 500 लोग विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरे। रतलाम में 2 महिला सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ FIR, आंगनवाड़ी भवन में 2 करोड़ के घोटाले का है आरोप। जनता की समस्या सुनकर बिजली के खंभे पर चढ़े मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, समस्याओं का जायजा लेने ग्वालियर के मोती झील इलाके में पहुंचे थे मंत्री। नेटफ्लिक्स को साउथ में बड़ा झटका, दर्शकों को नहीं भाई रजनीकांत के दामाद धनुष की फिल्म जग में थंडीरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।